तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा, और लैंडमैन, कैनमैन, कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, मीडिया, ये सारी चीजें कवर करते हुए, और OSI मॉडल, TCP/IP. TCP/IP यहाँ पे आप लोग देखना, सिमिलर चीजें होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने पढ़ा. एंड IP एड्रेस वगैरह में आप लोगों को AB और ये सब चीजें कराकर दिखाए गए, ABC क्लास, सबनेटिंग वगैरह भी आपने देखा. इनके कुछ ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा, और अभी यहाँ पे लैंडमैन, कैनमैन आप लोगों ने देखा. मैक एड्रेस के बारे में भी मैंने ड्यूरिंग सेशन बताया था कैसे क्या होता है. अब सिस्को के स्विच पर हम लोग बेसिक वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो सिस्को स्विच जो भी हमारा होता है, ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है. 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूनिकास्ट होता है, 1-to-many होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और ब्रॉडकास्ट मतलब 1-to-all कम्युनिकेशन के लिए होता है. चैनल्स जैसे कि न्यूज चैनल्स या TV वगैरह जो होते हैं, हमेशा ब्रॉडकास्ट करके चैनल्स वगैरह होते हैं, सभी के लिए वो होता है. मल्टीकास्ट जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड कुछ ऐसा आप ले लो, सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना. कुछ ऐसा कि मतलब 10 लोगों के बीच में सिर्फ 5 को आप असाइन कर रहे हो, 5 को नहीं, ऐसा मतलब ग्रुप में वो कर रहे हो. 1-to-1 मतलब एक बार में एक के साथ कम्युनिकेशन, तो ये होता है, पता ही है. स्विच मैंने 2 तरीके के बताया, एक मैनेज्ड और बहुत अच्छा। अनमैनेज्ड स्विच बताया. दोनों में काफी डिफरेंस होता है, अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे क्या है. और मैनेज्ड स्विच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल कम्युनिकेशन VLAN वगैरह बना सकते हैं, और उसमें IP और MAC जो होता है, मतलब इन सब चीजों के भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, तो वो सब डिटेल्स में बताया जाएगा. बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को यूजर मोड बताया गया, प्रिविलेज्ड मोड बताया गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड बताया गया. इसके अलावा भी कुछ मोड होता है, जैसे इफ मतलब इंटरफेस मोड होता है, राउटर मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल मोड होता है, यहाँ पे राउटिंग इनेबल करा जाता है, लाइन एक्सेस मतलब टर्मिनल, टेलनेट, SSH, इन सब तरीकों के लिए आपको ये पर्टिकुलर यूज किया जाता है, काम कराया जाता है. तो ये सारी चीजें होती हैं. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये सारे टॉपिक्स हैं. अगर आप लोग मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा, सारी लैब A to Z प्रॉपर हो जाएगा. यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बना दिया है, जिसको आप देखकर प्रॉपर तरीके से अपना लैब परफॉर्म कर सकते हैं. एक एक चीज यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है. और आज जो हम पढ़ाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्विच के साथ कोई IP देना है, कोई PC कनेक्ट करना है, VLAN ऐड करना है, उस पे IP देना है, और इस पे टेलनेट इनेबल करना है, तो ये हमारा हो जाएगा. दूसरा, टेलनेट इनेबल कैसे करते हैं, उसकी पूरी कमांड यहाँ पे है, ये आप लोगों को मिल जाएगा A to Z. ओके, और जिसको देखकर प्रैक्टिस कर ओके सकते हैं, डायग्राम देखो देखकर बना सकते हो, बट बिल्कुल कॉपी पेस्ट पर डिपेंड नहीं रहेंगे. आप कोशिश करिए कि चीजों को यहीं पे देखकर समझ लें, और लैब खुद से बनाए कमांड थोड़ा सा रिकॉल करना स्टार्ट कर दें, है ना. प्रैक्टिस में लाएं, ऑटोमेटिक ये सब चीजें याद हो जाएंगी. एंड कैसे एक्सेस करना है, SSH कैसे इनेबल करना है, आगे आप लोगों को दिखाया गया. ये देखो पूरी कमांड्स डिटेल दी गई है, तो सब कुछ अवेलेबल है. बाकी ये इतना ही नहीं है, 7-8 पेज है, इसमें 32 पेज की पूरी PDF मैं आप लोगों को ट्रांसफर करूंगा, जिसमें A to Z बहुत सारा एडवांस में दिया हुआ है. तो इसी के भी यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना भी है, ठीक है. ओके तो ये हो जाएगा. तो चलो आज का हम लोग सेशन, पहले बेसिक थोड़ा सा 2 मिनट का रिकॉल कर लेते हैं, एंड देन उस पर फिर काम करेंगे. अच्छा, तो सिस्को पैकेट ट्रैकर पर ही हम लोग काम करते हैं. रियल में जब आप कोई भी राउटर एक्सेस करोगे ना, तो आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर और इन सब चीजों से एक्सेस करना होता है. तो ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ. चलिए, तो ये हमारा है सिस्को पैकेट ट्रैकर. आप यहाँ सभी राउटर को हमें टच भी नहीं करना है, राउटर पे काम नहीं करना है. हम लोग बिल्कुल स्विचिंग पहले पढ़ेंगे, देन राउटिंग पढ़ेंगे, सिक्योरिटी, फायरवॉल से सब चीजें, वायरलेस सब कुछ लेकर फिर एंड करेंगे. ओके, तो पहले स्विच को आप यहाँ से सेलेक्ट करो. स्विच की ढेर सारी सीरीज है. अभी L2 L3 का पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मतलब बेसिक समझाने के बाद फिर मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा आइडिया आप लोगों को लगेगा कि अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि कैसे स्विच पर काम किया जाता है. ओके, और डायरेक्ट मैं समझाने लगूं तो यही हवा हवाई होगा कि ये होता है वो होता है कि नहीं. हाँ जी तो थोड़ा सा सर, जब यस सर, उसके यस। बारे में जानेंगे और मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो लगेगा अच्छा, ये चीज इसमें होगी, वो चीज उसमें नहीं होगी, तो काफी अच्छे समझ में आएगा. तो ये सारी चीजें, राइट चलो ये हमारे पास एक स्विच है. ओके,
और हम पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये दो तीन पीसी ऐसे जितना भी आप ले लो, डिफरेंट डिवाइसेस है तो इनके बीच में केबल एल्गोरिदम मैंने बताया ही था और कैसे सेलेक्ट करना है ओके क्या है। तो हम स्ट्रेट केबल यहाँ पे लेकर कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। इसमें से हर टाइप्स की केबल है, जो भी आप केबल पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैंने तीन पोर्ट ले लिया। पोर्ट इसमें याद रखेंगे, आपके सिस्को पैकेट ट्रैकर पर अगर ये पोर्ट नंबर नहीं लिख कर आ रहा है ना, तो एक काम करना, आप ऑप्शन में आना, प्रेफरेंसेस में आने के बाद ऑलवेज शो पोर्ट लेवल ऑन कर लेना। देखो अभी हमारा चेक बॉक्स है ना यहाँ पे एक ओके, अगर इसको हटा दूं तो यहाँ पे पोर्ट नंबर हटा देगा ये, तो इस पे ओके कर लेंगे तो आपका पोर्ट नंबर लिख कर आएगा। ओके, सो पोर्ट नंबर के ओके थ्रू आप इजिली आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि पर्टिकुलर कमांड किस नंबर पोर्ट पर अप्लाई करना है। ओके अब यहाँ पर ओके हम तीन पीसी ले लेते हैं और इन तीनों पीसी को हमें क्या करना है, इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी इतना याद रखो कि स्विच पर हमारा कितना पोर्ट होता है, 24 24, 8 पोर्ट, 4 पोर्ट है ना, ऐसे आते हैं 48 पोर्ट, ऐसे स्विचे जाते हैं। तो ये हमारा जो है ये 24 पोर्ट का स्विच है, कुछ दो एडिशनल पोर्ट दिया हुआ है और ये हाई स्पीड इथरनेट के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे पावर केबल दिया हुआ है, पावर सोर्स दिया है, ये कंसोल पोर्ट है जिसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इन 24 पोर्ट से किसी भी पीसी से आप ऑन कर लीजिए, मतलब कनेक्शन कर लीजिए, और करने के बाद आप सिंपल इसको समझ लो कि आपका डिफॉल्ट ये जो 24 पोर्ट होता है ये VLAN 1 के अंदर काम करता है। यानी कि हमारे स्विच पर बाय डिफॉल्ट एक VLAN बना होता है, डिफॉल्ट VLAN बना होता है ओके जिसका नाम, जिसकी आईडी नंबर होता है VLAN 1 और इसका नाम होता है डिफॉल्ट। ओके ये होता है, ये चेक भी कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि किस पोर्ट पर चेकिंग होती है। तो जैसे आपने यहाँ पे स्विच हैश, ये हमारा कौन सा मोड होता है, कौन सा मोड होता है, यूजर प्रिविलेज मोड, मोड यूजर बिल्कुल मोड ये प्रिविलेज मोड होता है, स्विच ग्रेटर देन हमारा यूजर मोड होता है, राइट। चलो अभी सेकेंड डे है तो थोड़ा सा अभी बिल्कुल दो चार लोग हैं, बाकी तो सभी एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, तो जिनको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल न्यू है इस चीज में तो वो पूछते रहेंगे, ठीक है, चीजों को, और मैं बार बार रिकॉल करा ही रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो स्विच हैश लिख कर आ रहा है, अब यहाँ पे लिखिए 100 स्पेस VLAN, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना VLAN बना हुआ है डिफॉल्ट हमारे स्विच पर। ये अभी VLAN तो नहीं पढ़ा रहा, ये तो काफी डेप्थ में इसके बारे में बताऊंगा आगे, तो अभी बस मैं पोर्ट एक दिखा रहा हूँ कि 100 VLAN से आपको पता चल जाएगा कि VLAN हमारा एक होता है और जिसपे हमारे स्विच पर 24 पोर्ट है, तो 24 पोर्ट VLAN 1 के अंदर काम कर रहे होते हैं। चेक भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे CLI मोड पर आकर, तो ये हमारा यूजर मोड होता है, राइट। और जब आप यहाँ पे इनेबल लिख के एंटर कर देते हो तो दिस इज द प्रिविलेज्ड मोड। ओके एंड ये यू कैन चेक ऑल प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं यहाँ पे 100 स्पेस क्या लिखना है, VLAN चेक करना है तो मैं VLAN लिखूंगा, रनिंग डेटा चेक करना है तो रनिंग लिखना है, 100 स्पेस IP चेक करना है तो IP लिखना है। ये भी देखो बहुत आसान है इसकी सारी कमांड्स, 100 स्पेस VLAN लिखा और एंटर किया, अब देखो यहाँ पे VLAN के बारे में ये बता दिया। अच्छा थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट वगैरह और सेट कर दूं अच्छे से ताकि प्रॉपर दिखे, फॉन्ट में आए और फॉन्ट 12 ओके है। फॉन्ट का टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ येलो कर दूं, नहीं व्हाइट रखते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं अपोजिट, तो थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा है ना, समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो VLAN 1 बना हुआ है ना, और इस डिफॉल्ट में आपके सारे 24 पोर्ट काम कर रहे हैं। देखो ये 24 पोर्ट प्लस दोनों GB इथरनेट यानी कि हाई स्पीड इथरनेट के लिए दो, जो जो दो अलग से नहीं दिख रहा था वो भी आपका इसी में काम कर रहा है, यानी कि सारे के सारे भैया पीसी आपके किस डिपार्टमेंट में है, VLAN 1 में है। ओके तो अब इन पे अगर हम एक एक IP असाइन कर देते हैं, जैसे इस पीसी पर 10.0.0.10 कर दिया, इस पीसी पर 10.0.0.20 कर दिया, इस पीसी पर 10.0.0.30 कर दिया। अगर मैं इस पीसी पर 20.0.0.10 कर दूं तो क्या ये आपस में कनेक्ट होगा इन दोनों से, नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कर दें और ऐसा डिफरेंट IP का कम्युनिकेशन कराना हो तो हमें राउटर लेना पड़ेगा है ना, तब जाकर कहीं सारा का सारा काम होएगा। यस
अभी राउटर वगैरह हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्विच पर या अपने पीसी पर ये सब आईपी देकर उनके बीच में पैकेट सेंड करके चेक कर सकते हैं कि आपस में कनेक्ट हुए कि नहीं। तो मैंने 10.0.0.20 आईपी दे दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से मैं यहाँ पे भी आईपी असाइन कर दूं। सेकंड पर आ गए, 30 कर दिया, ओके। और तीसरे वाले पर हम आ जाते हैं, इसकी आईपी 40 कर दिया। ये आईपी कहाँ से देना है तो कन्फ्यूजन नहीं, पीसी ओपन करेंगे, डायल अप कनेक्शन पे आएंगे, ये कर देंगे। और रियल में अगर पीसी होगा तो उसपे कहाँ से आईपी देते हुआ, विंडो आर ncpa.cpl अपना नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करो आप, और यहाँ से इथरनेट ओपन करो और इस पे आप आईपी दे दो आईपी वर्जन 4 में, राइट। ये ओके। तो अभी यहाँ से ये देखो पीडीयू पैकेट है यहाँ पे, एक पीडीयू इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से आप यहाँ सेंड करो और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मतलब हमारा काम हो गया है ना, प्रॉपर कनेक्टेड है सब एक दूसरे से, ये देखो सब कनेक्टेड है। एक सर्वर भी यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से पीसी वाले सेक्शन पे आएंगे, सर्वर यहाँ पे मिल जाएगा, एक सर्वर भी अलग मैं ऐड कर देता हूँ इसी से, ये मैंने ऐड कर दिया, इस सर्वर पर आ गए। और डेस्कटॉप में सर्वर की आईपी हम बिल्कुल थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 100 कर दिए, और ये हमारा हो गया सर्वर आईपी। मान लिया कि ये DNS, DSCP फाइल सर्वर कुछ भी हो सकता है, ADDS हो सकता है, कुछ भी कंपनी के अंदर लगे होते हैं, यहाँ से सर्विस इनको एक्सेस करनी है तो कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने पीसी से पिंग भी कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, इस पीसी पर मैं हूँ और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस सर्वर की आईपी 10.0.0.100 दिया था, एंटर, रिप्लाई आ रहा है ना, मतलब सर्वर से भी हम कनेक्टेड हैं। ये एक पूरा छोटा सा मैंने टोपोलॉजी बनाया जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि दिस इज द वे टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सिस्को पैकेट ट्रैकर, ओके। एज वेल एज यू कैन इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर नेटवर्क आर्किटेक्चर, अपने नेटवर्क में ये सेम आप अप्लाई कर सकते हो। स्विच लगा होगा, पीसी कनेक्ट करिए, केबल से आईपी दीजिए और सभी को पिंग करिए, अगर नेटवर्क आईपी सेम दिया है आपने तो। अब हम क्या करते हैं कि सभी का तो कम्युनिकेशन ओके है, सारी चीजें हो गई। सेकेंड टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें इस स्विच से, अगर इस स्विच पर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया, चलो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ, इनेबल पासवर्ड 123, ये पासवर्ड हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे होस्ट नेम SW1 दे देते हैं, स्विच का नेम हो गया। और कुछ यहाँ पे मैंने मान लिया कॉन्फ़िगर कर दिया, जैसे बैनर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, बैनर MOTD और एक साइन लगाया और वेलकम इन CCN ने न्यू बैच, ऐसे मैंने कर दिया, एंटर किया ये, तो अब एंटर कर दिया, ये मैंने ये भी कॉन्फ़िगरेशन किया, प्लस आगे टेलनेट SSH बहुत सारी चीजें मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, VLAN बना दिया, VTP बना दिया, STP बना दिया, RSTP बना दिया, है ना, इथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया, ये सब मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाता, बट अभी करूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, बट मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये सब आपने कॉन्फ़िगर करके रखा, लेकिन अब आपको बैकअप सेव करना है, क्योंकि अगर आप बैकअप के लिए, अभी तक मैंने क्या बताया कि आप रैम से डेटा अगर NVRAM पर सेंड कर देते हैं, ये बताया था ना लास्ट टाइम, तो सिंपल आपको एक कमांड टाइप करना पड़ता है, राइट, ओके, या कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस कॉन्फ़िग, तो आप लॉगिन कर जाते हैं। लेकिन अगर NVRAM पर डेटा जो है, ये भी हमारा रैम इसी के अंदर स्टोर है, पूरी डिवाइस क्रैश कर जाए या ये मतलब डिवाइस ही जल जाए, कुछ ऐसा कभी, तो हमें एक अलग स्टोरेज पर क्या हम बैकअप ले सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हम बना देते हैं अपना एक TFTP बैकअप सर्वर। आपको कंपनी के अंदर TFTP बैकअप सर्वर बना बनाया मिलेगा। अगर TFTP सर्वर नहीं बनाने आता है तो ऐसा नहीं कि सिस्टम के अंदर उसको मैं बताऊंगा ऐसा कुछ, TFTP सर्वर विंडोज सर्वर जब पढ़ेंगे या लिनक्स सर्वर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि कैसे बनता है, या आपकी जो एडमिन टीम होगी वहां की जो सर्वर मैनेज कर रही होगी आपको TFTP सर्वर का आईपी देगा या जो कुछ भी है डिटेल्स, ओके।
या अगर आपको आता है तो खुद बना सकते हैं, या इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हो। तो सारी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इस सर्वर की आईपी 10.0.0.100 है, ये मैंने दे रखा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पे ऑलरेडी हमारा टीएफटीपी सर्वर बना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बना है और इसके अंदर ढेर सारे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर है। देखो है ना, बहुत सारा यहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा है सिस्को का। मुझे अपना भी डेटा इसी के अंदर भेजना है। ओके, तो आईपी तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 10.0.0.100। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा अपने इस स्विच का, क्योंकि बिना दो डिवाइसेस आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगी, मैंने पहले भी बता रखा है, जब दोनों पर आईपी होगा। तो स्विच पर एक आईपी देना पड़ेगा, तो स्विच पर आईपी देने के लिए हमें VLAN 1 के ऊपर एक आईपी देना होगा। 10.0.0 मान लिया 1 मैंने दे दिया, या 10.0.0.2 दे दिया। ओके, ये हमने स्विच पर आईपी असाइन कर दिया। अब ये स्विच पर आईपी असाइन कर दिया तो हमारे सभी पीसी के साथ और ये सब चीजों के साथ ये स्विच भी कम्युनिकेट करने लगेगा, और फिर जितना भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया वो उठा के आसानी से हम टीएफटीपी सर्वर पर सेंड कर देंगे। कितना आसान है ना। अब देखो, आप स्विच पर अगर आ जाते हो और टीएफटीपी सर्वर पर पिंग करते हो तो क्या पिंग आएगा? तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये आईपी मैंने असाइन ही नहीं किया है। तो स्विच पर आईपी असाइन करने के लिए मैंने बता रखा है कि ऑलरेडी जिस भी पोर्ट पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है उस कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आपको जाना पड़ेगा। तो हमें किस इंटरफेस पर आईपी इंटरफेस देना है? VLAN पर। फोर जीरो है, हाँ, तो हम यहाँ पे फ्लैश इंटरफेस फोर जीरो लिखेंगे। हाँ, इस पर नहीं है अभी, इंटरफेस। अभी तो हम स्विच को एक आईपी देंगे ना, अभी तो हम स्विच के, ताकि अभी देखो एक यहाँ पे मैंने क्या डिजाइन करा कि जो मैंने स्विच लिया यहाँ पे, ये स्विच, इससे एक सर्वर कनेक्ट करा और इससे एक हमारा हमारा पीसी है, इधर इधर भी एक पीसी, ऐसे पीसी है। मैंने स्विच पर बताया कि इस पे VLAN 1 बना होता है जिसपे 24 पोर्ट क्या होते हैं, बाय एक्टिव डिफॉल्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम VLAN 1 पे आईपी दे रहे हैं 10.0.0.2, तो ये सभी कनेक्ट हो जाएंगे ना हमारे सभी, मतलब इससे पोर्ट से, है ना। तो हम बस VLAN 1 पर आईपी दे रहे हैं और VLAN 1 आईपी इन सभी के लिए एक गेटवे का काम कर सकता है ना, तो ये मैं बस बता रहा हूँ। तो हम VLAN 1 पे आईपी देने के लिए इंटरफेस, बस यहाँ पे लिख देना इंटरफेस स्पेस VLAN 1, एंटर। देखो VLAN 1 के अंदर आ गए। अब देखो इंटरफेस मोड आ गया, दिस इज कॉल्ड सब इंटरफेस मोड। ओके, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस देने के लिए आईपी एड्रेस और जो आईपी देना चाहते हो, 10.0 और इसका सबनेट मास्क, एंटर। और पोर्ट को ऑन करने के लिए नो शटडाउन वाले, बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है, तो नो शटडाउन लिख के एंटर, पोर्ट ऑन हो गया। नाउ यू कैन सी कि आप अब पिंग करिए अपने सर्वर से, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, आप पिंग करो सर्वर से, किसो किसके साथ, स्विच के साथ, 10.0.0.2 आएगा रिप्लाई, तो देखते हैं आ गया, आ रहा है रिप्लाई। तो ठीक है, हम कनेक्ट हो गए, अब हम स्विच से डेटा यहाँ भेज ही सकते हैं, राइट। तो ठीक है, अब मान लिया इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने कंट्रोल जेड करिए या एग्जिट करके प्रिविलेज मोड पर आइए, और यहाँ से आपको क्या बताया गया था, कॉपी करना है डेटा, कहाँ पर भेजना है, टीएफटीपी सर्वर पर। तो सबसे पहले हमें वो लोकेशन बताना है जहां से मुझे डेटा भेजना है। तो कहां से मुझे डेटा भेजना है, रनिंग डेटा रैम से ना, सर रैम से या न्यू रैम तो रनिंग का डेटा जो होता है रनिंग हाइफन कॉन्फिग, और डेटा कहां पर कौन भेजना है, टीएफटीपी, बस, और एंटर करो। बाकी आगे वो खुद पूछेगा और उसके हिसाब से आंसर कर देना। पूछ रहा है कि एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, तो उसका रिमोट होस्ट का जो एड्रेस है वो 10.0.0.100 है, यही तो हमारे सर्वर की आईपी, बस हमें सर्वर की आईपी पता होगा, एंटर करेंगे। करेक्ट डेस्टिनेशन फाइल नेम किस नाम से भेजना चाहते हो, तो किस नाम से भेज दें, CCNA बैकअप बैकअप स्विच। वन, CCNA बैकअप 1, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे,
अब ये देखो कह रहा है कितने बाइट की इंफॉर्मेशन क्या हो गया, कॉपी हो गया 0 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सर्वर पर और सर्विसेज के अंदर TFTP ओपन करके चेक करते हैं, तो सिस्को CCNA बैकअप 1 आ गया यहाँ पे हमारा डेटा सक्सेसफुली। अब क्या है कि अगर ये स्विच किसी भी तरीके से मान लिया कि फिजिकल में आता है और यहाँ से पावर ऑन ऑफ हो जाता है, मतलब रीस्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ को तो बटन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ये पावर ऑन ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन कर लीजिए, पीसी पर आईपी है कि नहीं है, यहाँ आईपी है और हमारी सर्विसेज के अंदर TFTP सर्वर का CCNA वाला बैकअप नहीं है, है ना ये, ठीक है। अब क्या है कि हमारा ये बिल्कुल नया कमांड प्रॉम्प्ट से खुलेगा, ये देखो बिल्कुल नया खुला स्विच। अगर आप इसका ऐसे हो जाता तो कंपनी के अंदर पूरा डेटा लॉस, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ भी यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर नहीं है, है ना, VLAN वगैरह बिल्कुल ब्लैंक है। अब तो पूरा डेटा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसी कंडीशन में अब यहाँ से बैकअप को रीस्टोर करना है सॉरी बैकअप रीस्टोर करने के लिए क्या करेंगे हम, कॉपी, एक एरर है, अभी एरर को मैं दिखा मतलब प्रैक्टिकल करते समय दिखाऊंगा, पहले ही बता देंगे तो थोड़ा सा ये समझो कि आप कॉपी करने गए, डेटा कहाँ से उठा रहे हो, TFTP सर्वर से, तो कॉपी TFTP सर्वर का डेटा कहाँ पे रखना है, रनिंग पर, एंटर करो, पूछ रहा है एड्रेस बताओ, कोई समझ रहा है क्या गलती हुई है, अभी कह रहा है कि किस फाइल किस नाम से फाइल है, तो CCNA बैकअप है ना, CCNA बैकअप 1 एंटर, कह रहा कि किस नाम से अपने स्विच पर किस नाम से रखना चाहते हो, कोई नहीं मैं एंटर कर देता हूँ स्विच पर क्या रखना, अभी एक्सेस कर रहा है, एक्सेस फेल हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि वो VLAN आपका इसका आईपी नहीं है ना, बिल्कुल हाँ, तो आईपी की प्रॉब्लम यहाँ पे। और हमेशा याद रखें कि दो पीसी के बीच में है या दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब आप उस पे आईपी दे दें, तो अभी यहाँ पे एरर आनी ही आनी है, ओके नहीं हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे और इंटरफेस स्पेस VLAN 1 आईपी एड्रेस 10.0.0.2.25 कोई भी आईपी दे सकते हो, ये मैंने कर दिया नो शटडाउन, बस हमारा स्विच के पास एक आईपी आ गया। अब कॉपी करेंगे डेटा कहाँ से, TFTP से, कहाँ पर रखना है, रनिंग पर। अब देखो मैं कितना जल्दी इसको टाइप करा, CO लिखकर टैब दबा दिया और TF लिखकर टैब दबा दिया, रनिंग लिखना है या कहाँ पे जो भी है RUN लिखकर टैब दबा दिया, ऑटोमेटिक कमांड एक्सेप्ट कर लेता है। इतना करने के बाद जस्ट आपको एंटर कर देना है और एड्रेस नेम आप बताइए क्या है, 10.0.0.100 एंटर, किस नाम से फाइल है, CCNA बैकअप 1 एंटर, किस नाम से रखना है, कोई नहीं एंटर, एक्सेस कर रहा है डेटा, हो गया। अब देखो क्या आ गया, SW1 ऑटोमेटिक आ गया ना, सो स्पेस रनिंग डेटा एंटर, आपका पासवर्ड भी आ गया, सब कुछ यहाँ पे आ गया, तो समझ में आया, ये आपका बेसिक TFTP सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें हैं। अब आप चाहते हो अपने स्विच को कि ठीक है ये सब चीजें तो चल रही है, स्विच को आप चाहते हो कि हमें स्विच को जब एक्सेस करना पड़ता है तो हमें कंसोल मतलब अपना लैपटॉप डेस्कटॉप कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके काम करना पड़ता है, हम किसी भी पीसी से बैठ के क्यों ना इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिमोट प्रोटोकॉल की, है कि नहीं, रिमोटली लॉगिन करने के लिए, रिमोट लॉगिन करने के लिए आपको दो तरीके की प्रोटोकॉल यहाँ पे मिलती है, कौन कौन सी, टेलनेट SSH, बिल्कुल टेलनेट SSH, अब ये दो प्रोटोकॉल आपको मिलता है, हाँ बताएं सर, ये हमने बैकअप जो है स्विच का वो सर्वर में दिया ना,
ये TFTP, हाँ यहाँ तो पे वो हम लोग ने मैन्युअली दिया, राइट, मैन्युअली बैकअप दिया, बट हाँ ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसे ऑटोमेटिकली पॉसिबल है एवरीडे, मतलब जैसे कि ऑटोमेटिक एक टाइम पर बनता रहे, हाँ सर वही, क्योंकि नहीं तो आप अपने अगर मैन्युअली स्विच भूल गया तो वो प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हो तो कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है। जैसे कि अगर आप कॉपी करिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो देखो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बस यही हमारे पास कमांड्स है। अच्छा ओके, मतलब हर हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है सर ये TFTP इतना सर्वर हाँ बैकअप इतना चेंजेस नहीं रहता, या डेली बेसिस पर हम लोग कोर डिवाइसेस या इन सब चीजों में चेंजेस नहीं करते, है ना, क्योंकि ये डिवाइस एक बार फिक्स और कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो वो चलता रहता है ना। और जब भी लगे कि आपने कोई वीकली मंथली या जो भी है चेंजेस किया है तो उसको कॉन्फ़िगर कर दें, है ना, ये सारी चीजें हैं। ओके ओके, और मतलब बाकी मैन्युअली अभी कमेंट्री करना पड़ेगा। हाँ बाकी अभी हम लोग बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कैसे टेलनेट इनेबल करना है, और इसका मैं नोट्स भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक पीसी मैंने ये ले लिया, और सर्वर ले लो, पीसी ले लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर इसको कनेक्ट करना, अभी तक जितना आपने ट्रबल शूट किया वो भूल जाओ, क्योंकि उसमें आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने इस पर एक VLAN 1 दिया, जिसकी आईपी मैंने 10.0.0.1 कर दिया। यहाँ पे हम एक आईपी दे देते हैं 10.0.0.2, और इधर हम आईपी दे देते हैं 10.0.0.3, ओके। और सिंपल, इतना करने के बाद हमें टेलनेट के थ्रू एक्सेस देना है, तो हम 10.0.0.2 कर दिए, 23 हो गया, ये 2 कर देते हैं, कोई भी आईपी दे सकते हो, आईपी का कोई दिक्कत नहीं है। एंड 10.0.0.1 हमारा हो जाएगा गेटवे है, जो मान लिया 10.0.0.1। दूसरे वाले पीसी पर आ जाते हैं, डेस्कटॉप आईपी 10.0.0.3, 10.0.0, एंटर कर दिया। एंड आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक बस कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जैसे इनेबल Conf T कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस स्पेस VLAN 1, आईपी एड्रेस 10.0.0.1.255, ये, एंड देन नो शटडाउन, ऑन हो गया। एंड अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर टेलनेट कंफिगर, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, बट एक यूजर नेम भी, सॉरी, एक यूजर पासवर्ड भी यहाँ पे देना है, तो मैंने 123 दे दिया, ओके। और फिर टेलनेट इनेबल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बस लाइन स्पेस VTY 0, एंड पासवर्ड इस पे एक एप्लीकेबल करा देना है 1234, एंटर। और अब आ जाना है अपने सर्वर या पीसी पर। अगर आप यहाँ पे लिखते हो टेलनेट 10.0.0.1, आपसे यूजर पासवर्ड पूछेगा 1234, 1234, एंटर। ए, कीबोर्ड मेरा वो नहीं है क्या, कीबोर्ड का इश्यू लग रहा है फिर। हाँ एक्सेस हो गया, ये कीबोर्ड का इश्यू था यार, ऐसे होता है कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कोई की स्टक कर रहा है ना, जब भी लैपटॉप का कीबोर्ड यूज किया तो लॉगिन हो गया, तो लास्ट टाइम भी यही वो था। तो अभी मुझे इनेबल करके 1 2 3 थोड़ा फोर्सफुली वो करना पड़ेगा, हो गया एक्सेस, ठीक है। तो ये देखो आपका हो गया। अब मान लिया कि ये भी बंदा उसी समय एक्सेस करना चाहता है तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। टेलनेट 10.0.0.1, एंटर, क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। अब इधर वाले पे देखो अभी एक्सेसिबल है, अगर मैं इधर एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट अगेन, अब दूसरे वाले पीसी पर आ गया और यहाँ पे दोबारा से एक्सेस किया, अभी देखो एक्सेस हो गया 1 2 3 4, एनेबल 1 2 3, एंड हो गया ये।
तो आप कर सकते हैं। अब यही चीज मल्टीपल यूजर को अलाउ करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पर लाइन स्पेस VTY आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ऐसे करके, एंड पासवर्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर। अब इस वाले यूजर से एक्सेस करिए, 1 2 3 4 5 एंटर, हो गया एनेबल 1 2 3, अरे ये 1 2 3 एंटर, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये हमारा सर्वर है और ये पीसी है। अब देखो इधर भी एक्सेस हो रहा है, हो रहा है ना, ये चीज स्विच पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था, प्रॉब्लम हमारे थोड़ा सा 1 2 या 1 2 3 4 5 के की में कुछ स्टक कर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो बदलने पर ये कीबोर्ड से तुरंत ये काम कर रहा है। ओके क्लियर। तो कमांड यहाँ पे मैं टाइप कर दूं, कमांड में कुछ नहीं आपको कंफ्यूज होना है, सिंपल स्विच को ओपन करना है, सबसे पहले इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, इंटरफेस VLAN 1 लिखना है और इस पे आईपी एड्रेस ऐड करना है 10.0.0.1.2.3.4 जो भी आपको आईपी ऐड करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग कर लो, नो शट डाउन करना है, एंड जस्ट आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे यूजर के लिए, इनेबल पासवर्ड 1 2 3 और उसके बाद लाइन स्पेस VTY 012 या जो भी आपने समझ ही लिया, एंड देन इसका एक पासवर्ड दे देंगे, बाकी आपको लॉगिन और ये सब कहीं कुछ नहीं लिखना है, एंटर कर देंगे आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी पीसी पर आएंगे और पीसी पर आने के बाद क्या लिखना था, गो टू पीसी एंड टाइप, सॉरी गो टू पीसी एंड ओपन टर्मिनल एंड टाइप, क्या टाइप करना था, टेलनेट एंड देन 10.0.0.1 बस बस। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बाकी नोट्स अभी मिलेगा उसमें भी सारी चीजें हैं, ठीक। ओके स्टार्ट करते हैं। तो VLAN का कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करेंगे। VLAN एक्चुअली मल्टीपल डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कल वो SSH तो रह गया था शायद। अच्छा हाँ, SSH मैं करा देता हूँ। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे VLAN। ओके VLAN और VLAN का फुल फॉर्म होता है, मैंने पूरा थियरी नोट्स भेज रखा है लैब, उसको देख लेना। VLAN स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, एंड LAN स्टैंड फॉर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप एक नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर किसी भी पर्टिकुलर स्विच से कनेक्ट करते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर या डायग्राम है, ये आपका एक नेटवर्क कहलाता है। ओके इसमें आप क्या करते थे, नेटवर्क जब क्रिएट करते हो तो ये आपने एक कनेक्शन दे दिया इनके बीच में, और इनके बीच में एक आईपी दे दिया, जैसे कि पहले वाले पीसी पर हम आईपी दे देते हैं 10.0.0.10 और दूसरे वाले पीसी पर हम आईपी दे देते हैं 10.0.0 कोई भी उस रेंज में 20। ओके तो ये 20 आईपी है जो कि हमारे सेकंड पीसी का है, और ये फर्स्ट पीसी का हमने 10 दिया हुआ है। अब ये जितना भी पीसी है, कल के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो मैंने बताया था कि ऑल पीसी आर कनेक्टेड इन VLAN 1। बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच पर एक VLAN होता है जो कि VLAN 1 में सारे पोर्ट को ऐड करके रखता है। तो 100 स्पेस अगर VLAN आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा कि हाँ दिस इज द VLAN डिफॉल्ट डेटाबेस, एंड यहाँ पे आपके एक VLAN मतलब एक VLAN बना है जिसका नेम डिफॉल्ट है और इस पे सारे आपके पोर्ट अभी एक्टिव हैं। यहाँ पे 4 VLAN डेटाबेस और मिल जाता है FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पे कुछ बने बनाए VLAN डेटाबेस मिलते हैं। तो इंटरव्यू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कभी भी आता है तो डिफॉल्ट VLAN अगर काउंट करके आपको बताना हो या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप 5 पर आंसर करेंगे, तो टोटल डिफॉल्ट यहाँ पे 5 VLAN बने होते हैं। ओके ये तो ये डिफॉल्ट हमारे स्विच के अंदर डेटाबेस है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सेट करेंगे। लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट VLAN 2 3 4 5 6 7 8 तो आप ऐसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे एज पर योर डेटाबेस एज पर योर डिपार्टमेंट। जैसे हमारी कंपनी में
दोनों दो यूजर नहीं हो सकते हैं, बल्कि मान लिया 6 ग्रुप, एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है 6 ग्रुप, या 6 यूजर का ग्रुप जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो इन सब चीजों के लिए। अब मान लिया कि मैं इसको लिख देता हूँ वीलैंड 2, और ये हमारा सेल्स के लिए काम कर रहा है ना, और इसमें एक यूजर मैं लेकर चलता हूँ, आप यहाँ पे 5-10 कंप्यूटर जो भी हैं सभी को कनेक्ट रखेंगे एक स्विच के साथ, और इसको मैं VLAN 3 करता हूँ, और ये मैं मान लिया अकाउंट डिपार्टमेंट का रख देता हूँ। तो ये हमारा यूजर है जो इस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी क्या है कि एक लोकल एरिया में सभी के सभी ये काम कर रहे हैं। एज पर लैन का डेफिनेशन क्या होता है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑल पीसी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, ऑल पीसी आर नेटवर्क होस्ट, पीसीज बोल सकते हैं, आर नेटवर्क होस्ट, आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो अब क्या जो सेल्स डिपार्टमेंट का यूजर है ये कभी भी अपना डेटा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहेगा? कभी नहीं, मतलब एक प्राइवेसी हमें चाहिए। तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इनको दूसरा नेटवर्क प्रोवाइड करो, इधर दूसरा स्विच लगाओ, दूसरा नेटवर्क दो, लेकिन इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की, वेस्ट करने की, नॉट इन्वेस्ट, वेस्ट करने की जरूरत क्या है, जब हमारे पास इसको प्रोवाइड करता है वीलैंड टेक्नोलॉजी, वेयर यू कैन क्रिएट मल्टीपल मल्टी वर्चुअल लैन यूजिंग सिंगल लैन ऑब्लिक स्विच। एक स्विच पर आप मल्टीपल वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और सिंगल मतलब कि लैन पे। तो कैसे ये चीज पॉसिबल होगी, इसको हम चाहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट, इसको दूसरे डिपार्टमेंट में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेटाबेस दिखाया, तो एक 1 बना हुआ है, एक 2 बना हुआ है, 3 4, ये तो हम यहाँ पे 1002 है, तो हम यहाँ पे 2 3 4 क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा पोर्ट 1 है, देखो आप, ये जो पीसीए पोर्ट 1 से कनेक्टेड है और ये जो पीसीए पोर्ट 2 से कनेक्टेड है, तो हमें एक काम करना होगा, इस डेटाबेस में जो 1 में है तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को एक दूसरा डिपार्टमेंट बनाकर उसमें ऐड करना होगा, राइट? सो व्हाट इज द प्रोसेस टू क्रिएट वीलैन? सो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए और टाइप करें वीलैन 2, एंड नेम आप सेल्स दे दें, एंड एक और वीलैन क्रिएट करना है वीलैन 3, आप नेम अकाउंट दे दें। कितना आसान है वीलैन बनाना। एंड अब यहाँ पे आप वीलैन डेटाबेस चेक कर सकते हो अपने प्रिविलेज मोड पर आकर, तो सेल्स बन गया, अकाउंट बन गया। क्लियर सभी को? ये बिफोर वीलैन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, आप अगर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन चेक करोगे तो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड अकॉर्डिंग टू वीलैन बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। यही प्रोसेस आपको करना है, मतलब एक में दोनों कनेक्ट रहेंगे और एक में दोनों कनेक्ट नहीं रहेंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, दोनों पीसी को जब डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्सेस करा देंगे तो ये एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, जो डेटा सेंड कर पा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे का प्रोसेस यूज करेंगे, एग्जिट करते हैं, एंड अब यहाँ पे इंटरफेस F0/1, 1 नंबर पीसी जो है ये स्विच पोर्ट एक्सेस कर रहा है किसका, VLAN 2 का। एंड इंटरफेस F0/2 नंबर जो पोर्ट है, स्विच पोर्ट एक्सेस कर रहा है VLAN 3 का। क्लियर? तो ये दो तरीके से आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इन दोनों के बीच में अगर वही पैकेट सेम सेंड करके चेक करते हो तो यहाँ पे दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, ओके, दोनों कनेक्ट नहीं है। तो आपने क्या किया, सिंगल वीलैन को मल्टीपल वीलैन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिवाइड कर दिया। सो स्पेस वीलैन से चेक करके देखो तो सेल्स के अंदर पोर्ट 1 एक्टिवेट हो गया, और अकाउंट VLAN 2 के अंदर पोर्ट 2 एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पर हमारा पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हाइड हो गया है या हट गया, और यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। ओके, सो दिस इज द वीलैन टेक्नोलॉजी। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल्स डिपार्टमेंट यूजिंग सिंगल लैन और स्विच। ओके, एक सिंगल लैन
या स्विच में आप मल्टीपल डिपार्टमेंट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से डेटा भी नहीं शेयर कर पाएंगे, और आपको ना ही दूसरा नेटवर्क बाई करने की जरूरत है, ना ही स्विच और ये सब चीजें ऐड करने की जरूरत है। ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी, या कभी कभी जरूरत पड़ती है कि स्विच तो 24 पोर्ट का है, 12 पीसी इधर 12 पीसी इधर आ गए, फिर आगे चल के दो दो यूजर और ऐड हो गए, 14 इधर 14 इधर, यानी 14 यूजर यहाँ पे आ गए, तो 14 यूजर या 13 यूजर आ गए, या और ज्यादा बढ़ गए 15 यूजर हो गए, तब तो 30 यूजर एक स्विच पे कनेक्ट नहीं होंगे, तो हमें एक दूसरा स्विच लगाना पड़ेगा। तो ये सब आगे के दो तीन और चीजें हमें समझना पड़ेगा, बट VLAN यही हमारा होता है। ओके, तो VLAN क्लियर है सभी को? VLAN बनाते कैसे हैं, मैंने कमांड भी भेज रखा है, आप यहाँ से देख लेंगे। VLAN बनाना, VLAN 2-3 नेम बना लेंगे एंड स्विच पोर्ट एक्सेस करा लेंगे, इजिली आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, SSH कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बोल रहे थे, SSH कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ, मेरे दिमाग से हट गया तो बीच में याद आया, बट मैंने सोचा VLAN पढ़ा दे तब SSH दिखाएं। तो SSH कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे करो या किसी भी मतलब डिवाइस पे सिस्को के करो, सेम प्रोसेस है। तो मैं यहाँ से एक PC एक स्विच लेकर यहीं पे कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ सिंपल। अभी तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कैसे काम करना है। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10.0.0.1 गेटवे, या कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे VLAN 1 पे IP दे देते हैं, जैसा कि कल मैंने किया था, enable confd VLAN 1 IP address 10.0.0.1.255.0.0.0। क्या गलत हो गया, 10 था सर, आईपी 10 था सर। नहीं, ये VLAN बन गया ना, वो इंटरफेस नहीं सेलेक्ट हुआ, इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 10 नहीं था, 10 तो PC का है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे। और नो शटडाउन, ये मैंने अपने स्विच को VLAN 1 पे एक IP दे दिया, क्योंकि VLAN 1 से डिफॉल्ट सारे कनेक्टेड होते हैं, ये कल ही बताया था। और IP देने के बाद आपको दो ही चीज मैंने बताया था कल भी, कि इनेबल पासवर्ड, एक पासवर्ड देंगे तभी एक्सेस होगा, क्योंकि रिमोट एक्सेस के लिए एक लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए। एंड बस इसके बाद आपको यहाँ पे एक डोमेन असाइन करना पड़ेगा, मतलब डोमेन नेम कुछ भी आप दे सकते हो, लाइक डोमेन नेम मैं यहाँ पे सिस्को दे देता हूँ, एंटर, और डोमेन नेम हमारा सिस्को हो गया। और यहाँ पे ये नेम कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। और अगली जो कमांड यहाँ पे असाइन करेंगे, क्योंकि हम अपने स्विच को ये बता रहे हैं कि अगर रिमोटली कोई एक्सेस करता है जिसके बीच में एक इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जनरेट हो, और इंक्रिप्शन यहाँ पे हमारा काम करता है RSA एल्गोरिदम पर। ओके, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम आपको मिलेंगे, आप नेटवर्क में या गूगल पे चेक करेंगे तो बहुत सारा एल्गोरिदम मिलेगा। तो हमारे सिस्को पर यहाँ पे RSA इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम करता है, RSA के थ्रू हमारा यहाँ पे इंक्रिप्शन जो अप्लाई होगा वो 512 बिट से शायद 200 समथिंग भी होता है, अभी मैं चेक करके दिखा देता हूँ कितना इंक्रिप्शन आपका वर्क करता है। तो यहाँ पे लिखना होगा क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, क्रिप्टो की। अब क्रिप्टो की यहाँ पे एक जनरेट कराइए, और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो यहाँ पे RSA है ना, तो RSA 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को बनाया था। इसमें आपका नॉर्मल 1, 2, 3 भी अगर है ना, तो वो कोडेड वैल्यू में दिखेगा या ट्रांसफर होगा, सेंड रिसीव होगा, एक्सचेंज होगा। एंटर करिए, क्या कह रहा है, प्लीज इस पे, अच्छा होस्ट नेम हमें अपने स्विच का सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे SW1 दे दिया, या होस्ट नेम मैं यहाँ पे सिस्को दे दिया, इसको भी चलो ठीक है, जो मैंने डोमेन नेम दिया था वही दे दिया, बदल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्रिप्टो की जनरेट और आपने यहाँ पे RSA किया। अब कह रहा है कि मिनिमम 360 से लेकर 2048 बिट का इंक्रिप्शन अलाउ करेगा, 2048 बहुत एडवांस इंक्रिप्शन हो जाएगा है ना, एक नॉर्मल वैल्यू को बहुत ज्यादा बड़े कोड में ये इंक्रिप्ट करेगा, तो बेटर है 500 बोल रहा है कि दिस इज द बेस्ट, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन चाहिए तो आप बढ़ा दो वैल्यू, 1024 कर सकते हो, ऐसे कुछ बिट में कर सकते हैं। तो 512 मैं रहने देता हूं और एंटर कर देता हूं। तो कह रहा है कि आपका 512 बिट का RSA की यहां पे अवेलेबल हो गया। अब सेंड और रिसीव करते समय, यानी कि
एक्सपोर्ट होते समय, सेंड रिसीव होते समय ये काम करेगा। फिर जस्ट आगे आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन स्पेस BTY स्पेस 0 सेशन नंबर देकर, तो यहाँ पे लिखकर आ जाएगा SSH enabled, ओके? यहाँ पे has been enabled। अब जैसे ही आपका एनेबल हो जाता है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करना है ट्रांसपोर्ट इनपुट, यानी कि आप जो भी इनपुट ट्रांसपोर्ट में दे रहे हो वो किसका दे दिए, SSH का दे दिए, यानी जो डेटा लेन देन होगा वो किसके थ्रू होगा, SSH इंक्रिप्शन के साथ होगा। अब यहाँ पे आप कल जो बता रहे थे ना कोई लोग की लॉग इन लोकल की वैल्यू देनी पड़ेगी, अब यहाँ पे लॉग इन लोकल की वैल्यू देनी है, ओके? क्योंकि आप लोकल लॉग इन अलाउ करेंगे और यहाँ पे एक यूजर नेम असाइन करेंगे, जैसे यूजर नेम आप दे दो सिस्को, पासवर्ड आप दे दो जो भी आप देना चाहते हो, ये मैंने दे दिया, ओके? बस एंड आपके कॉन्फ़िगरेशन ओके। अब आपको आ जाना है अपने पीसी पर और यहाँ पे टाइप करना है SSH हाइफन एल स्पेस यूजर नेम सिस्को और आईपी एड्रेस, यही है आईपी एड्रेस, एंटर। ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 दिया था, सिस्को से हम आ गए, सिस्को के स्विच पर इनेबल करते हैं 1 2 3 एंटर, ये हम लॉग इन कर गए कॉन्फ्टी। अब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम काम कर रहा है, यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है और SSH के साथ आप इससे रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, ओके? तो ये आप कर रहे हैं। हेलो सर, वो डोमेन आईपी डोमेन नेम क्यों दिया उधर SSH कॉन्फ़िगरेशन में? SSH के लिए एक मॉड्यूल डिजाइन करना पड़ता है डोमेन का, इस वजह से देना है ना, क्योंकि एज अ सर्वर ये रिएक्ट करेगा और SSH मतलब जो हमारा इंक्रिप्शन किया उसी के साथ काम करेगा उसी डोमेन में है। ये डोमेन नेम जैसे ऐसे नहीं है कि कोई सर्वर का नेम है sicolive.com like google.com like facebook.com, ऐसा कुछ नहीं, बस एक नेम इसको दे देना है, ओके? कमांड का पार्ट है और उसी डोमेन में आपका पूरा इंक्रिप्शन काम करेगा। कहीं ना कहीं एक कंसोल या एक ऐसा प्लेट मतलब एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना जहां से सब काम करे, ये सब एग्जीक्यूट हो आपका इंक्रिप्शन की और ये सब, तो ये आपका यहीं से होगा डोमेन नेम सिस्को, आपके सिस्को के इस स्विच से, ओके? ओके सर। यहाँ पे ये डोमेन नेम कोई ऐसा नहीं है कि आपके सर्वर में या सॉरी आपकी कंपनी में कोई सर्वर चल रहा होगा उसका नेम यहाँ पे देना है या उसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है, बस आपने एक नेम दे देना है, ओके? और आपको इसी डोमेन नेम में बाकी इनक्रिप्शन एनेबल कर देना है RSA का और फिर इसी डोमेन के अकॉर्डिंग ये इनक्रिप्शन की काम करता रहेगा, जो भी आप रिमोटली एक्सेस करेंगे अपने स्विच और होस्ट के बीच में उनके बीच में RSA का 512 बिट के इनक्रिप्शन पर यहाँ पे काम करेगा, आप जैसा इनक्रिप्शन एनेबल किए हैं, ओके? सर हम होस्ट नेम को डोमेन नेम दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने दिया है, वही तो दिया है सिस्को, हाँ, सिस्को 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 ओके। हाँ कुछ भी चेंज भी कर सकते हो आप सर, हम लॉगिन के लिए हर यूजर को अलग पासवर्ड आईडी दे सकते हैं। हाँ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन और ये सब चीजें करके दे सकते हैं, मल्टीपल यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, बताया जाएगा जब आगे चीजें आएंगी। तो हम लोग आ जाते हैं दोबारा से VLAN पर। जैसा कि मैंने बताया VLAN टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल सब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग सिंगल स्विच। तो आपने एक स्विच को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब क्या होता है आगे चल के आपका जो स्विच है ये फुल हो जाता है, फुल इन द सेंस कि 24 पीसी हैं, 24 पोर्ट हैं और उस पे पूरा का पूरा पोर्ट कंप्लीटली फुल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलो अभी यहाँ पे हम एक डायग्राम डिजाइन करते हैं कि आपके पास जो स्विच था और इस पे आपने कनेक्शन दिया, ये VLAN 2 था और यहाँ पे VLAN 3 है, तो ये जो स्विच है ये टोटल कितने पोर्ट पर काम कर रहा है? 24। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसमें से डिपार्टमेंट कैटेगराइज करते हैं और 12 पोर्ट का एक अलग वो बना देते हैं जो कि V2 में ऐड कर देते हैं और 12 पोर्ट का एक मैं V3 में ऐड कर दे रहा हूँ, तो हमारा ये जो स्विच है ये क्या करेगा, ये तो फुल हो गया। अब हमें दो यूजर और यहाँ पे ऐड करना पड़ गया फॉर एग्जांपल, और इधर भी दो यूजर ऐड करना पड़ गया।
अभी क्या होगा इस कंडीशन में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस टू, प्लस टू में हमें एक और दूसरा स्विच ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमने एक और स्विच ऐड कर दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया F0/3 नंबर पोर्ट से, ओके। और यहाँ पे हमने दो यूजर बना दिया, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम दोबारा करना पड़ेगा, V2 भी बनाना पड़ेगा जो सेल्स आपने बनाया था, V3 भी बनाना पड़ेगा जो आपने अकाउंट बनाया था, ये इधर भी बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपका, मान लिया ये 1 पोर्ट है और ये 2 पोर्ट है, तो इधर भी V2 बनाना पड़ेगा जो कि सेम डिपार्टमेंट में रहेगा, एक्सेस कराना पड़ेगा, V3 बनाना पड़ेगा जो कि आपका अकाउंट है ये भी, एंड देन ये जो सेल्स है सेल्स के साथ कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे, और जो आपका अकाउंट है अकाउंट के साथ कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे, ऐसा करना है हमें। ये जो सेल्स है ये अकाउंट के साथ इधर कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट आपका डिफरेंट होते हुए भी सेम डिपार्टमेंट के साथ ही कम्युनिकेट करे, स्विच दूसरा होते हुए भी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पे या ऐड कर देते हैं, और इस स्विच के साथ हम मान लिया कि जितने यूजर ऐड करने थे एडिशनल जो आए थे यहाँ पे बना दिया, और इनको भी अलग अलग उसमें कनेक्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने पहले वाले स्विच से दूसरे वाले को कनेक्ट किया, एक मिनट मैं पहले इन पीसीस को कनेक्ट कर देता हूँ port 1 और port 2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया 3 to 3। अब ये जो हमारा यूजर है अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो ये 2 का है, सॉरी ये तो इधर ही होगा, ये यहाँ से ये 2 का हो गया और यहाँ पे हमारा ये 3 का हो गया, ओके। आईपी और ये सब आपने देखा। अभी क्या करना है यहाँ पे कि आईपी भी ठीक है कॉन्फ़िगर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 10.0.0.30 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 40 कर देते हैं, 40 राइट। और अब हम इसको कनेक्ट करते हैं 10.0.0.30, 10.0.0.40 और एक बार अगर पिंग आप करते हो इसका अगर किसी के भी साथ, इसके साथ तो नहीं होगा यहाँ पे, फेल हो जाएगा, और एक बार फिर अगर इसका इसके साथ करते हो दोनों फेल हो जाएंगे, ये किसी के साथ नहीं कनेक्ट है, ना ही सेम और ना ही डिफरेंट ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इन दोनों को पहले तो डिपार्टमेंट बनाकर ऐड करना है, तो सेम जो अभी मैंने पहले स्विच पर किया वही इस पर भी करने जा रहा हूँ। इनेबल करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और VLAN 2 नेम HR या सेल्स, VLAN 3 नेम अकाउंट ये, ओके। एंड बन गया या नहीं ये तो चेक कर ही सकते हैं, एंड अगेन इंटरफेस स्पेस F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 क्लियर। एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल पोर्ट यूजिंग सिंगल कमांड तो आपने क्या करना होगा, इंटरफेस रेंज आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस रेंज स्पेस F0/1 से लेकर 4, ऐसे एक बार में मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। स्पेलिंग रेंज की गलत हो गई, F0/1 से लेकर 4, तो एक बार में मल्टीपल देखो रेंज सेलेक्ट हो गया। आप एक ही बार में 4 पोर्ट को VLAN 2 असाइन कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। सो स्पेस VLAN एंटर कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे सेल्स और ये बन गया, दोनों अलग अलग हो गए। अभी इतना कर देने से सेम डिपार्टमेंट, इधर भी 1 और 2 पोर्ट उसके लिए, इधर भी 1 और 2 पोर्ट ऐसे हो गए, बट इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। अभी भी देखो फेल हो रहा है सेम डिपार्टमेंट का, ये VLAN 3 वाले को भी नहीं सेंड कर पा रहे, तो डिफरेंट में तो कर ही नहीं पाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ यहाँ पे है, हमें यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोटोकॉल विच इज VLAN ट्रंकिंग, ओके। कनेक्ट सेम VLAN डेटाबेस यूजिंग मल्टी स्विच, ओके
मल्टी स्विच पर आप सेम वीलैन का कनेक्शन इनेबल करेंगे, तो ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनेबल होगा। तो कैसे होगा अभी, अब हम इस वाले पोर्ट या इस वाले पोर्ट, दोनों में से किसी भी एक पोर्ट को ट्रंक पोर्ट इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रंक पोर्ट आपने देखा, तो ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, आपके दोनों के बीच में सेम डिपार्टमेंट का ट्रांजेक्शन इनेबल कर देगा। तो आप पहले वाले स्विच पर आ जाओ या सेकेंड वाले पर, जिस पर भी आपको काम करना है। तो इंटरफेस स्पेस F0/3 3 नंबर पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बस ये लिखकर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो जाएगा और कनेक्शन रीस्टेब्लिश होगा, और यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखो कनेक्शन हो गया। नाउ यू कैन सेंड VLAN 3 डिपार्टमेंट डेटा टू VLAN 3 एंड VLAN 3 डज नॉट सेंड VLAN 2 विद डिफरेंट VLAN डेटाबेस एंड VLAN 2 को कर लेगा। ओके VLAN देख लेते हैं एक बार, VLAN 2 भी इधर भी नहीं सेंड कर पा रहा है। हाँ, तो ये कंप्लीट सक्सेसफुल टोपोलॉजी ऐसे हो जाती है। तो एज पर योर नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ यूजर आप स्विच डिपार्टमेंट और अपना VLAN डेटाबेस ऐसे बनाएंगे। बट स्विच की आईपी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, स्विच पर आईपी हम लोग नहीं यहाँ पे देंगे, ठीक है। स्विच पर आईपी तब देंगे, कोई भी आईपी दे देंगे जब हमें स्विच को एक्सेस करना होगा VLAN के लिए, सॉरी SSH के लिए, टेलनेट के लिए। ओके ओके सर। ओके, तो अब ये तो ठीक है। गीगाबाइट पोर्ट का, हाँ क्या कह रहे हैं, जो गीगाबाइट पोर्ट रहता है ना, हाँ उसको भी ट्रंक बना सकते हैं ना। बिल्कुल, ट्राई कर लो आप एक कमांड, हो जाएगा। इंटरफेस स्पेस जी इंटरफेस स्पेस जी गीगाबिट 0/ पता नहीं वन नंबर है कि नहीं, हाँ वन है। स्विच पोर्ट मोड मोड ट्रंक, ठीक। ओके, अभी एक स्विच में दो ट्रंक हो गए क्या, क्योंकि थ्री था ऑलरेडी। मैंने वो कनेक्ट ही कहाँ कर रखा है, वो आपने पूछा तो मैंने कंफर्मेशन कमांड आपको दिखाया कि हो जाएगा। सर अगर अगर एक और स्विच होगा, ठीक है, तीन स्विच है, हाँ, तो स्विच वन से ही वायर जाएगा ना स्विच थ्री को ट्रंक करने के लिए। जरूरी नहीं है, आप इसके बीच में कर दीजिए, दो के बीच में ट्रंक कर दीजिएगा बस, ये ऑलरेडी एक दूसरे से ट्रंक है। हाँ ओके सर, और एक पूछू, अगर मैंने VLANs बनाए स्विच वन में, ठीक है, तो वो VLANs मुझे ऐसा मैंने किधर तो पढ़ा था कि वो तो अगर हम लोग ने वो ट्रंक किया ना तो वो हमें फिर से VLAN क्रिएट करना नहीं पड़ता है दूसरे स्विच में, स्विच में नहीं तो दूसरे। अरे तो वो आगे बढ़ाएंगे डायनेमिक VLAN। ओके ओके, वो सर आपकी यूट्यूब चैनल पे है ना वो, तो हाँ वो सारी चीजें हैं तो देखेंगे। VLAN ट्रंकिंग मैंने शायद बना, वो डायनेमिक VLAN बनाकर अपलोड कर रखा, आगे पढ़ाएंगे सारी चीजें एक एक करके हम समझाते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने समझ में आया, अभी देखो मैं पूरी पूरी कहानी पहले बनाता हूँ कि ऐसे ये है, तो ये चीज इसको समझो ना आप। अभी क्या है यहाँ पे कि हमारे पास एक ट्रबल शूट, मतलब एक मैं आर्किटेक्चर देता हूँ उसको सॉल्व करना होता है ना, और उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक स्विच है, सॉरी एक पीसी है, एक और यूजर है, ऐसे छः छः करके एक स्विच के साथ फिर से एक में नया डिपार्टमेंट VLAN 2 VLAN 3 का क्रिएट कर दिया। ओके, अब जरा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क भी डिफरेंट करते हैं, टोपोलो VLAN और इन सब चीजों को भी डिफरेंट करते हैं। ओके सी, ये हमारे पास टोपोलॉजी है VLAN 3 अकाउंट, अकाउंट के लिए मैंने AC लिख दिया, आप लोग समझ जाना। VLAN 2 ये मैंने HR टीम के लिए बनाया, इनको मैंने IP जो दिया 192.168.0.2 कर दिया, 192.168.0.1 अब गेटवे भी कर दिया मैंने। ओके, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी बनेगा यहाँ पे।
एंड यहाँ पे हम एक 172 की रेंज में ये कर दिया एंड जस्ट इस पे क्लिक करके डेस्कटॉप और इस पे आकर मैंने इसको आईपी दे दिया। अब सेम VLAN से अब इसको डिफरेंट VLAN में कर दीजिए। एक क्वेश्चन था वो, हाँ ये तो आपने दोनों दो अलग अलग नेटवर्क लिया तो इसका गेटवे अलग और इसका गेटवे अलग, लेकिन स्विच एक ही है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा टोपोलॉजी अगर हमारे नेटवर्क में सेम है तब तो आप मैनेज कर ही ले रहे हो, बट अगर ऐसा कुछ डिफरेंट है, ठीक है, एक सर्वर जो डिफरेंट आईपी पर है, बाकी क्लाइंट सब डिफरेंट में, सर्वर VLAN 2 में है, बाकी हमारे सारे 23 नंबर पोर्ट्स VLAN 3, 1, 2 में है, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ है, ठीक है, और डिफरेंट अगर आर्किटेक्चर है, इन सब कंडीशंस में कैसे आप काम करेंगे? तो अब हमें यहाँ पे अभी तक आपने क्या देखा, VLAN, फिर आपने देखा VLAN ट्रंकिंग, अब यहाँ पे हमारा इंटर VLAN एस्टेब्लिश हो जाएगा और इंटर VLAN एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट VLANs, ओके, मतलब दो डिफरेंट VLANs हैं, ये सब जितने भी हैं इन सब के बीच में इनेबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाए तो ऐसा नहीं कि पूरा VLAN डिलीट करें, हम ये करें वो करें, हम सिंपल उनके बीच में क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो इंटर VLAN कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बेसिक कम्युनिकेशन बेसिक है नेटवर्किंग का, कि इंटर VLAN प्रोटोकॉल का नाम क्या है? .1Q, ठीक है, जैसे कि आप TCP के बारे में समझते हैं, UDP के बारे में समझते हैं, वैसे हमारा .1Q होता है, इंटर VLAN कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, ओके। .1Q हमारा एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जिस पर हमारा इंटर VLAN कम्युनिकेशन कन्फिगर होता है। जैसे कि आप डेटा सेंड करते हो तो TCP UDP डेटा कैरी करते हैं, आप मेल सेंड करते हो तो मेल सेंडिंग में कौन सी प्रोटोकॉल होती है? SMTP एंड POP IMAP। नहीं नहीं, ओनली SMTP। POP IMAP तो मेल रिसीविंग में होता है। सेंडिंग में, रिसीविंग साइड में POP एंड IMAP होता है। तो ठीक है, .1Q प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो अब कैसे होगा ये जो प्रोटोकॉल सर, उसपे एक ISL भी होता है, इंटर स्विच लिंक, जो सिस्को को प्रोप्राइटरी होता है। हाँ बिल्कुल, वो अभी समझा रहे हैं जी, वो भी आगे है सारी चीजें, आप लोग आगे का पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये मैंने डायग्राम वगैरह सारी चीजें तो कर दिया, सबसे पहले हमें इनको दो डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर देना है, पहला काम हम एंड कर देते हैं। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कभी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फेल नहीं होगी। हम यहाँ पे VLAN 2 क्रिएट कर देते हैं, नेम HR और VLAN 3 नेम MR, कुछ भी, मतलब VLAN 2 3 मैंने कर दिया, यहाँ पे लिखा कुछ और होगा तो भी समझ जाना। अब यहाँ पे हमारा इंटरफेस स्पेस F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस कर रहा है, स्विच पोर्ट एक्सेस कर रहा है किसको, VLAN 2 को, और जो हमारा सेकेंड पोर्ट है ये किस पोर्ट को एक्सेस कर रहा है, VLAN 3 को। बस अब दोनों डिफरेंट में हो गए, ऐसा अगर है डिफरेंट पोर्ट डिफरेंट उसमें काम कर रहे हैं तो इनके बीच में अब डिफरेंट आईपी है तो हमें एक राउटर की जरूरत पड़ेगी या कोर डिवाइस, चाहे आप L3 स्विच ले सकते हो, है ना, क्योंकि इस स्विच के पास L3 कम्युनिकेशन नहीं इनेबल होता है, ये हमारा L2 लेवल पर काम करता है, ठीक है, आगे मैं बता दूंगा कि L2 L3 में, बस इसके बाद वाले लेक्चर में बता दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बता देना चाहिए था पहले ही, बट कोई नहीं अभी बता दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे एक राउटर ले लेते हैं जो कि L3 डिवाइस है, दिस इज द L3 डिवाइस, और ये राउटिंग करा सकता है आपको, इनेबल कर देगा राउटिंग, ओके। तो कैसे होगा, अब इसके बीच में एक कम्युनिकेशन इनेबल करिए, स्विच के साथ कनेक्ट करिए ये। अब यहाँ पे जो हमारा पोर्ट नंबर 3 है, ये देखो ट्रंक कराने का काम कर रहा है, यही तो दोनों पोर्ट को ट्रंक कराएगा, जब दो VLAN को आपस में कनेक्ट कोई भी पोर्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रंक पोर्ट बोलेंगे, है ना। तो हम इस ट्रंक पोर्ट को क्यों ना इनेबल कर दें, तो अपने स्विच पर आते हैं, इंटरफेस स्पेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंटर, हो गया, इतना हो गया।
राउटिंग इनेबल करेंगे, राउटिंग विथ डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल. ओके, तो राउटिंग वन जो हम लोग इनेबल करेंगे यहाँ पे डॉट वन क्यू के साथ, इसके लिए हमें स्विच राउटर पर आना है, सीएलआई मोड पर आना है. एंड अब जब राउटर पर आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, तो यहाँ से यस या नो पूछेगा, तो यहाँ पे नो कर देना. जब राउटर पढ़ाएंगे तो यस या नो में डिफरेंस क्या है मैं बता दूंगा. सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. है तो किसी को नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है. अपने एंड से चेक करिए. हो गया विजिबल? ओके सर, हो गया. तो अब हम लोग आ जाते हैं राउटर पर और डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल को इनेबल कर लेते हैं. इनेबल लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाते हैं और होस्ट R1 कर दिया. होस्ट नेम वगैरह बदलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने बस आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया. और यहाँ पे हम लोग इंटरफेस स्पेस F0/ किस पोर्ट से कनेक्ट है पहले चेक करते हैं. F0/0 से, तो ठीक है, F0/0 और नो शटडाउन इस पोर्ट को ऑन कर देते हैं. इस पोर्ट को मैंने ऑन कर दिया. अब गेटवे हमारे पास दो दो है, तो एक पोर्ट पर अगर हम एक आईपी होती तो एक आईपी दे देते आसानी से, कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन हमारे पास दो गेटवे है. अब दो गेटवे एक पोर्ट पर असाइन नहीं होगा, तो हमारा स्विच या सिस्को डिवाइस अलाउ करता है सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए. यानी कि एक फिजिकल इंटरफेस पर आप मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अनकाउंटेबल होता है, बहुत ज्यादा नंबर में आप सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं. मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे होगा. एग्जिट करते हैं, इंटरफेस स्पेस F0/0.?? लगाइए, ये देखिए पॉइंट में आप कितने नंबर ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, है ना. सब सब इंटरफेसेस हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे वन करता हूँ, एक इंटरफेस मैंने क्रिएट किया, एंटर. अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आने लगा, सब इफ, मतलब सब इंटरफेस मोड. क्लियर ना सभी को? ऑल क्लियर सर. तो हम आ गए यहाँ पे सब इंटरफेस मोड पर. और अब इस सब इंटरफेस मोड पर F0/1 के लिए, मतलब हम यहाँ पे दो पोर्ट क्रिएट करते हैं, F0/0.1 जिस पे हम आईपी चला ऐड कर लेते हैं 192.168.0.1, और एक और क्रिएट कर देते हैं F0/0.2 जिस पे हम गेटवे ऐड कर देते हैं, आईपी ऐड कर देते हैं 172 की. और अब यहाँ पे हम ऐड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रोटोकॉल, जो कि है encapsulation.1.1q. और अब यहाँ पे VLAN ID बता दीजिए, क्योंकि .1q आपने F0/1 जो इनेबल किया है, ये VLAN 2 के लिए, VLAN 3 के लिए. तो हम यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो ये VLAN 2 के लिए, जिसकी IP हमें देना है 192.168.0.1 with subnet mask. Enter. No shutdown की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पोर्ट को एक्टिवेट कर रखा है. इंटरफेस स्पेस F0/0.2, एंटर. देखो ये भी पोर्ट एक्टिवेट हो गया. अगेन इनकैप्सुलेशन .1q एंड 3, एंटर. 3 का आईपी एड्रेस क्या है, एंड देन क्लोज इट. ओके, हो गया. अब इनके बीच में आप कम्युनिकेशन इनेबल करके चेक कर सकते हो, या पैकेट सेंड करके. आपका पैकेट सेंड होगा ये, ठीक है. थोड़ा सा लंबा कॉन्फ़िगरेशन है, आप धीरे धीरे हम लोग बड़ी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हैं. प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करें. अब एक घंटा तो एटलीस्ट डेली अपने भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. हाँ, ये जो मेथड है एनकैप्सुलेशन का, वो सिर्फ दो डिफरेंट नेटवर्क अगर एक ही स्विच पे कनेक्ट हो गए तो ही होगा ना. हाँ, एंड अगर मेरे पास अगर सेम नेटवर्क रहेगा तो सिंपल वो पोर्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, वो VLAN में. बिल्कुल. ओके सर. एंड सर ये रियल एग्जाम पर आप बता सकते हैं सर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क एक ही स्विच में कैसे यूज़, मतलब कौन से डिपार्टमेंट. आप एक स्विच के साथ अगर 10 पीसी कनेक्ट करे हैं तो आप 10 पीसी को डिफरेंट नेटवर्क आईडी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी के अंदर मान लिया कि दो, एक स्विच से दो डिपार्टमेंट हैं, मान लिया कि एक वर्क स्टेशन 1 बना हुआ है और एक वर्क स्टेशन 2 बना हुआ है, ठीक है. अब वर्क स्टेशन 1 पे एडमिनिस्ट्रेटर ने 192 की आईपी दे रखा है, वर्क स्टेशन 2 की तरफ 172 दे रखा है, तो
वो बस जैसा आर्किटेक्चर होगा, नहीं सेम डिपार्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम नेटवर्क आईडी यूज कर लीजिए, ठीक। मतलब मैंने एक कंडीशन दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये कर सकते हैं, बाकी सेम आईपी तो आपने देख ही लिया, डिपार्टमेंट बनाना देख लिया। तो नेट रियल एनवायरमेंट में जैसे होता है ना कि कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो चलते हैं। अब एक स्विच पर अगर आप दो आईपी दे देते हो तो ऐसा नहीं कि स्विच उसको कम्युनिकेट नहीं कराएगा, मतलब दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इस रेंज में अगर दो कंप्यूटर हैं तो वो दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे, इस रेंज में दो कंप्यूटर हैं तो दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। और इसकी टेबल में अगर आप चेक करोगे सो स्पेस एआरपी तो ये दिखाएगा। ओहो एआरपी स्विच पर नहीं चलेगा, यहाँ पर सो आईपी टेबल्स वहां लिखना चाहिए था, एआरपी स्पेस हाइफन ए। तो इनके पास ये डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। ओके सर। और भी डेटा इनकैप्सुलेशन वगैरह सिस्को के राउटर और स्विच में होता है ना? हाँ, ये अगर पूरा आपको चेक करना है कि आपने कौन सा इनकैप्सुलेशन लगा रखा है, किससे क्या हो रहा है, तो सो स्पेस रनिंग डेटा से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रिविलेज डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा क्या क्या बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वन पर क्या आईपी है, टू पर क्या सब इंटरफेसेस पर आईपी है, ठीक है, ये दिखाएगा। जस्ट आप नीचे आ जाएंगे और अब आपको चेक करना है सो स्पेस इंटरफेस स्पेस F0/0 का एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है। एंटर करके देखिए, इनकैप्सुलेशन आरपा लगा हुआ है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके बाकी सो स्पेस क्वेश्चन मार्क लगाइए और भी जो भी चेक करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो कहीं वीलैन वगैरह कुछ लिखा है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क लगा के। हिस्ट्री होस्ट इंटरफेसेस आईपी एलएल डैप तो नहीं है, लॉगिंग एनटीपी ये ना, ठीक है सही है, एंड क्यू प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे वीलैन वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं चेक कर सकते, नहीं को दिखाते, प्रोटोकॉल्स चेक कर सकते हैं। ओके सो प्रोटोकॉल्स में तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, सो स्पेस प्रोटोकॉल्स क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, एंटर। ओके तो इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग इज इनेबल, यहाँ पे राउटिंग इनेबल है, बट ये नहीं लिख के आ रहा है कहीं पे कि यहाँ पे .1 क्यों इनेबल है, जरा देखिए कहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल्स है, प्रिविलेजेस है, लॉगिंग है, इंटरफेसेस है, लाइन है, आईपी है, कुछ चेक करेंगे तो किसी ना किसी डिटेल्स में होगा तो होगा, नहीं तो उसकी कोई वो नहीं है। ट्रबल शूटिंग आपको अलग से बताएंगे सारी चीजें प्रोटोकॉल्स का। तो दो इंटरफेस बनाए अपने राउटर पे, अगर ऐसे 10-12 वीलन होंगे तो 10-12 इंटरफेसेस बना सकते हैं। लेकिन मान लिया कि आपके नेटवर्क में इसी नेटवर्क इस रेंज में 10 कंप्यूटर है, इस रेंज में 10 कंप्यूटर है, तो भी दो ही इंटरफेस चाहिए होगा ना। मतलब नंबर ऑफ गेटवे पर डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ गेटवे आपके जितने हैं उतने सब इंटरफेस आपको बनाने पड़ेंगे, राइट? नहीं, नंबर ऑफ वीलन ना, नंबर ऑफ वीलन अगर जितना होगा तो उसका इंटरफेस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मान लिया वीलैन 2 है, वीलैन 3 है, अब मान लिया वीलैन 2 वीलैन 3 की सेम नेटवर्क आईडी है तो नेटवर्क आईडी नहीं वो नहीं करेगा, ये टोपोलॉजी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ वीलैन एंड नंबर ऑफ गेटवे के अकॉर्डिंग हमें अपना सब इंटरफेस क्रिएट करना है। ओके अब यहाँ पे एक कमांड मुझे तो कम्युनिकेट करेगा। हाँ करेगा, सेम पे करेगा, डिफरेंट में हमें कराना होगा। हमें यहाँ पे क्या कह रहा कि मुझे एक भी ट्रबल शूटिंग कमांड याद आया है, देखते हैं चलता है कि नहीं है। अगर हम सो स्पेस इंटरफेस स्पेस F0/0 चेक कर सकते हैं तो पॉइंट वन भी तो चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो पॉइंट वन पे हमारा बताएगा कि क्या चल रहा है। ये क्लियर?
तो आप जिस भी ट्रबल शूटिंग में जिस भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, सो स्पेस इंटरफेस, और जिस इंटरफेस के बारे में आप पता करना चाहते हैं उसका आईडी देकर पता कर सकते हैं कि उस पर क्या चीज कॉन्फ़िगर करी गई है। तो यहाँ पे वीलैन 2 की आईडी चल रही है और 802.1 क्यू प्रोटोकॉल है, इनकैप्सुलेशन लगा हुआ है। कोई मुझे बताए, नॉर्मल एक नेटवर्किंग का वर्ड, इसके साथ क्लास एंड करेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे आप लोग एसटीपी पीवीएसटी आरएसटीपी सारी चीजें अभी सिस्को के अकॉर्डिंग, और अभी जिसने भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि अकॉर्डिंग टू सिस्को एल्गोरिदम हमारा एक मतलब कि वीलैन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, एंड अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपली या अदर के अकॉर्डिंग भी आता है ना, दो चीजें होती हैं। तो मतलब कि एक इंटर स्विच लिंक क्या क्या बताया था, तो ISL वगैरह ये सब चीजें अभी नेक्स्ट उसमें सारा कवर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको कौन बताएगा यहाँ पे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन। इतनी देर में तो गूगल कर लिया होगा, अब गलत, अब मतलब कोई फायदा नहीं, टाइम आउट। चलो तो फिर अलाउ करने के लिए मतलब वो इनकैप्सुलेशन, ये सब वर्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जो CCNA के एग्जाम होते हैं उसमें लैब भी आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब सिंगल चॉइस भी मिलेगा, मल्टी चॉइस भी मिलेगा, एंड मतलब ये तीनों तरीके का ऑप्शन मिलता है। सिंगल चॉइस में ठीक है, मल्टी चॉइस वगैरह में आ जाता है, आ सकता है ना कि इनकैप्सुलेशन मतलब कोई ऐसा वो बनाया और क्या है इनकैप्सुलेशन, क्या है बैंडविड्थ, क्या है डॉट वन क्यू किसका स्टैंडर्ड है, किस लिए किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये समझो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, राइट। तो एक एक पॉइंट को आपको पता होना चाहिए, उस वर्ड का क्या मतलब मेन की पॉइंट है, की फ्रेम अगर पकड़ के चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका समझो 50% सॉल्व हो चुका होगा, फिर आपको 50% के लिए प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठना होगा, ठीक है। और लैब जितना भी आप यहाँ पे कर रहे हो बनी बनाई, वहां पे लैब मिलेगी और उसमें बस कुछ बहुत कमांड मिस रहेगी जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो कमांड आप लोग जैसे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िटी लिख दिया, तो आप लोग कॉन्फ़िटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में आप लिखेंगे कॉन्फिगर टर्मिनल, क्योंकि मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में, ठीक। इससे ये होगा कि आप जब एग्जाम वाले सिमुलेटर पे काम कर रहे होंगे ना, तो वहां पे कॉन्फ़िटी से काम नहीं चलेगा, वो गलत बता देगा, उसको क्या पता, वो ये रहेगा कि यूजर को क्या पता है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में यूज करें चीजें, तो शॉर्टकट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाएगा कभी, जैसे नहीं कि आपको पता नहीं, बैठे हो और एग्जाम में ऐसा कुछ आया, जैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3-4% इसमें से बस 3-4% मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट गलत नहीं होने देना है ना, क्योंकि 85% नंबर लाना है। तो कमांड आपको याद रखना है ऐसे, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, ऐसा आप यूज करेंगे। हम यूज कर इंटरफेस के लिए INT, आपको बताया इंटरफेस का क्या है, तो आप ऐसे नहीं पूरा इंटरफेस लिख कर वो काम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब पता होना चाहिए जो भी कमांड, अगर मैं डायरेक्टली कोई ऐसी कमांड बता देता हूँ जो कि शॉर्टकट से यूज कर रहा हूँ और उसका फुल फॉर्म नहीं पता, तो पूछ लेना, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ओके सर, तो बाकी ये सारा डिटेल्स मैंने भेज रखा आपको नोट्स के अंदर, प्रॉपर चेक करेंगे लैब के साथ, डायग्राम के साथ सब कुछ मिलेगा, उससे देखकर प्रैक्टिस कर लेना अगर कहीं कमांड में फंस जाते हो आप, जो कुछ भी है। बाकी मिलते हैं कल, ओके।